ये लो इनका तो नाच गाना शुरू हो गया। दोस्तों आज हम देखेंगे क्या हश्र होता है उस फैमिली के साथ जो जिंदगी में पहली बार वाटर राइड करते हैं। दोस्तों मेरा पेट गीला हो गया दोस्तों। कैसे जिंदा बच के आया हूँ मुझे ही पता है। ब्रह्मपुर में आज ये हमारा दूसरा दिन था और हम आज निकल पड़ते हैं माँ तारा तारिणी जी का दर्शन करने के लिए। थोड़ी दूर गाड़ी बढ़ी थी कि अचानक रास्ते से एक अजीब सी स्मेल आई। बाजू में देखा तो पता चला कुछ बच्चे यहाँ स्वच्छ भारत अभियान को सपोर्ट कर रहे थे। खुशबू इतनी खतरनाक थी कि हमारी बीवी बेहोश हो गई। फाइनली हमारी गाड़ी पहुँच जाती है कुमारी पर्वत में मौजूद माँ तारा तारिणी जी के मंदिर में। दोस्तों यहाँ के बंदर बहुत ही खतरनाक होते हैं। इनका दहशत इतना है कि बेचारे इन कुत्तों को गाड़ियों के नीचे छुपना पड़ता है। मालिक बहुत खतरनाक है, ये लोग उछल उछल के मारते हैं। मैडम ये रहा हमारा पेज सिद्धिदास, इसको फॉलो कर डाला तो लाइफ जिंगा लाला। ओके मैडम जी। अबे देख के ये बंदर झपट्टा मार के तेरा सामान छीन लेंगे। अबे ये बंदर लोग जहाँ से ये सब सीखे है ना, वहाँ का हेडमास्टर आज भी मुझे गाली देता है। हमारे जैसे मेहनती लोगों के लिए सरकार ने बस की सेवाएं डाली हुई है इधर, जो सीढ़ियां चढ़ के ऊपर मंदिर नहीं जा सकते। कितनी बार बोला है तुझे साफ सुथरा रहा कर, वरना पूरे बॉडी में खुजली होगी। पापा आप भी नहा लिया करो। आज मैं माँ से प्रार्थना करूँगा कि हमारी घर की महिलाओं को खुश रखे ताकि हम बेचारे मर्द भी खुश रह सके। अरे पापा करना क्या चाहते हो यार, यहाँ मंदिर में रिनोवेशन का काम चल रहा है और इन लोगों ने वॉशरूम टॉयलेट सब तोड़ दिया है और मुझे जोर की सूसू लगी है। फिर मुझे पता चला हमारे कार में ही टॉयलेट की व्यवस्था की गई है। मैंने बिना देरी किए पूरा टंकी खाली कर दिया। माँ का दर्शन खत्म करके बड़ी एक्साइटमेंट के साथ हम तम्परा लेक की तरफ निकल पड़ते। अबे क्या कर रही है रे तू? अरे भाई इतना नजदीक है, अगर हम यहाँ से कूद जाते तो टिकट के पैसे बच जाते ना। अबे कितनी चिंदी है रे तू। बड़ी जोर की भूख लग रही थी हमें और अंदर एंट्रेंस में वाटर फ्रंट रेस्टोरेंट दिख गया हमें, जिसके बाहर लिखा था दरवाजा खुला है अंदर आ जाओ। तो हम अंदर घुस गए। अंदर घुसते ही पापा ने मेन्यू बुक पकड़ लिया खाना ऑर्डर करने के लिए। पिछले 2 घंटे से पापा ऑर्डर करने की कोशिश कर रहे हैं पर उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सर मैं आपकी कुछ हेल्प कर दूं, कुछ प्रॉब्लम है तो? फ्री में खाना खिला दीजिए, बड़ी हेल्प हो जाएगी। पापा आपका टाइम आउट हो गया, मुझे दीजिए अभी। यहाँ आपको बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स भी मिल जाएंगे। 500 रुपए में आप ये जेट स्की का आनंद ले सकते हो जो थोड़ी देर में हम लेने वाले हैं। Nice. और अगर आप कंजूस हैं तो 120 रुपए में ये चप्पू चला के बोट राइड का भी मजा ले सकते हो। भाई एक बात बोलूं? हाँ बोलना। घर वाले शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं मेरे अरे लिए। ये तो अच्छी बात है ना। अरे पर मुझे तू अच्छा लगता है। क्या? Oh, no. घुमा 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 बोट घुमा, मुझे तेरे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। मसाला पापड़ जैसे ही आता है हम भूखे उस पे ऐसे टूट पड़ते हैं कि पलक झपकते ही वो पूरा प्लेट साफ हो जाता है सिवाय इस मिर्ची के 2 टुकड़ों के। Nice. फाइनली खाना सर्व हो जाता है। इससे पहले कि ये भी साफ हो जाए मुझे ये खत्म करना पड़ेगा। दोस्तों ए बिग शाउट आउट टू तम्परा वाटर फ्रंट रेस्टोरेंट, इनका खाना वाकई बहुत डिलीशियस था। अरे मैडम जरा सुनो, इधर आओ चप्पल दिखाओ जरा अपना। अगर आप हमारे वीडियो शेयर करते 4 पैसे कमा लेता तो मैं अपनी बीवी के लिए एक अच्छा चप्पल खरीद सकता था। चलो कोई ना, अगर इस वीडियो में आपने 10,000 लाइक्स फटाफट दे दिए तो मैं अपनी बीवी को एक नया चप्पल दे दूंगा। Nice. वरना मेरी बीवी जिंदगी भर ऐसे ही चलती रहेगी। Oh, no. ये लो इनका तो नाच गाना शुरू हो गया। ऐसा नाचा इन लोगों ने कि भूकंप आ गया। दोस्तों आज हम कुछ ऐसा करने जा रहे थे जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हे भगवान हमारी रक्षा करना। नो no. आपको मैं दिखा नहीं सकता दोस्तों, पर मेरी फटके 4 हो चुकी थी। दोस्तों सिद्धिदास एक नंबर का डरपोक और हगुरा है। दोस्तों मेरा पेट गीला हो गया दोस्तों। कैसे जिंदा बच के आया हूँ मुझे ही पता है। कमजोर दिल वाले ये राइड कभी मत लेना, मेरे जैसे जांबाज लोग ही ये ट्राई कर सकते हैं। सो फाइनली दोस्तों हमारा तम्परा लेक का तूफानी सफर यहीं खत्म होता है। मिलते हैं फिर अगले सफर में, तब तक हंसते मुस्कुराते रहिए और खुशियां बांटते रहिए।